हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग देख चुके हैं एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और थॉमसन जो मॉडल था एटम का वो। अब इस वीडियो में हम लोग रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ये जानने के लिए कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं एटम में, मतलब एक जो एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज होते हैं। तो हम लोग थॉमसन ने बता दिया था इलेक्ट्रॉन का, बट वो थोड़ा ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था, उसकी लिमिटेशंस थी। तो अब रदरफोर्ड ने सोचा कि इसको अच्छे से पता किया जाए, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स का, किस पर, थिन गोल्ड फॉइल। अब उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड की फॉइल ली, मतलब गोल्ड की एक परत ली और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से मूव करने वाले जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं वो उस पर स्ट्राइक करवाए। तो उन्होंने गोल्ड फॉइल इसलिए ली थी क्योंकि गोल्ड फॉइल जो है ना, मतलब उनको बहुत ही पतली से पतली लेयर चाहिए थी और गोल्ड फॉइल जो है वो 1000 एटम थिक हो सकती थी। अल्फ़ा पार्टिकल क्यों लिए, क्योंकि वो डबल चार्ज थे, डबली चार्ज हीलियम आयंस थे, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या थे, हीलियम आयंस थे, ठीक है। और उनका मास क्या था, 4 यूनिट था। फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो उन्होंने गोल्ड फॉइल इसलिए ली थी क्योंकि उसे काफ़ी पतला किया जा सकता था, और उन्होंने हीलियम के अल्फा पार्टिकल इसलिए लिए थे क्योंकि उसमें एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये एक्सपेक्ट किया था उन्होंने कि अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन गोल्ड एटम्स। तो गोल्ड के जो भी एटम्स हैं उसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स, जैसे कि गोल्ड के अंदर जो एटम्स हैं उससे क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो अल्फ़ा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन गोल्ड एटम। सिंस अल्फ़ा पार्टिकल्स वर मच हैवियर देन द प्रोटॉन्स, ही डिड नॉट एक्सेप्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शंस। तो वो ये सोच रहे थे कि मैं, मतलब जैसे कि ये फॉइल है, इसमें जब वो अल्फ़ा पार्टिकल्स डालेंगे तो गोल्ड के अंदर जो एटम्स हैं उसमें से जो सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन के बारे में वो जानना चाह रहे थे, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे उससे जो है डिफ्लेक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन जहाँ पर आएगा या फिर कोई और सब एटॉमिक पार्टिकल अगर एटम में होगा तो जहाँ पर भी आएगा ना वो पार्टिकल, क्योंकि वो हार्ड सा होगा थोड़ा, तो क्या करेगी, ये जो रेज होंगी ना ये पीछे की तरफ वापस चली जाएंगी। इस तरीके की चीज़ें उन्होंने सोची थी। तो ये देखिए, ये मॉडल है, ये गोल्ड फॉइल है, इसमें एटम्स हैं, है ना, गोल्ड फॉइल ये है, एटम्स हैं इसमें बहुत सारे, एटम्स के बीच में से क्या अल्फ़ा पार्टिकल्स पास कराए जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स तो सीधे सीधे ही पास हो जा रहे हैं, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो टेढ़े भी जा रहे हैं, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो जैसे जा रहे हैं वैसे के वैसे वापस भी आ जा रहे हैं, कुछ इधर टेढ़े, मतलब टेढ़े मेढ़े, कोई कोई तो सीधे निकल जा रहे हैं और कोई कोई क्या हो रहे हैं, टेढ़े मेढ़े से पास हो रहे हैं। तो भाई ऐसा क्यों हुआ, देखिए आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे, जो बीच में क्या होता है एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन, सॉरी एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, तो जो न्यूक्लियस से पास कर रहे थे ना वो तो डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे, कोई टेढ़ा जा रहा था, कोई वैसा का वैसा वापस आ जा रहा था, कोई उसे डिफ्लेक्ट होकर आगे बढ़ जा रहा था, और इस न्यूक्लियस के अलावा जहाँ से भी रेस पास हो रही थी वो सीधे सीधे पास हो जा रही थी। तो उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिले, मतलब जो उन्होंने सोचा था ना कि इस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे उसके, मतलब बिल्कुल अपोजिट ही, बिल्कुल अलग से ही उनको रिजल्ट मिले। क्या थे, तो ज़्यादातर जो फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स थे ना वो तो स्ट्रेट पास हो गए गोल्ड फॉइल से, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि तेज़ी से चलने वाले फास्ट मूविंग जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो ज़्यादातर तो बिल्कुल स्ट्रेट है ना, देखिए ज़्यादातर क्या हो गए, स्ट्रेट पास हो गए हैं। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय द स्मॉल एंगल्स, और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल काफ़ी छोटे छोटे एंगल से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, देखिए यहाँ से है ना, ये ऐसे करके, तो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल काफ़ी स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रीबाउंड। तो इसका मतलब है कि लगभग 12,000 में से एक जो है ना वो रीबाउंड वापस भी होकर के आ गया है, मतलब कुछ तो ऐसे करके निकल रहे हैं, कुछ ऐसे निकल रहे हैं, और एक पार्टिकल, कोई ना कोई एक जो है ना 12,000 में से एक पार्टिकल जो है वो रीबाउंड हो जा रहा है। तो इन अदर वर्ड्स रदरफोर्ड ये कहना चाहते थे कि इनके जो रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट इनक्रेडिबल हैं, मतलब ऐसे होंगे कि अगर आप लोग 12 इंच दूर, मतलब काफ़ी दूर से भी आप टिश्यू पेपर को
जला रहे हैं और टिश्यू पेपर आपके ऊपर वापस आ जा रहा है। इस तरीके से 12,000 में से एक पार्टिकल बाउंस बैक होकर के वापस आ जा रहा था। अब रदरफोर्ड ने ये सारी जो डिस्कवरी की थी ना, इसके लिए इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं और इनको 1908 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी ना रदरफोर्ड ने, तो इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है और उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1908 में इसके लिए। तो हमें बहुत ही सिंपल सी चीज़ बताते हैं, जैसे कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया था। हम लोगों को बताते हैं कि अगर हम लोग एक फील्ड में चले जाएं, ठीक है, ओपन फील्ड में, और जहाँ पर क्या हो, एक दीवार हो, ठीक है, एक दीवार हो, एक बच्चे को आँख बंद, एक बच्चे की आंखों पे पट्टी बांध करके उसको कहा जाए कि तुम बॉल्स फेंको, तो उसे हर बॉल की आवाज़ आएगी। जब वो बॉल यहाँ पर दीवार पर लगेगी, वापस आएगी, तो आवाज़ आएगी उस बॉल की, है ना। बट अगर ऐसा किया जाए कि एक ऐसी जगह चला जाए जहाँ पर मतलब दीवार नहीं है, दीवार की बजाय क्या है, बहुत सारे तार हैं, है ना, बहुत सारे तार हैं, तब बॉल फेंकी जाएगी, तो कई बार क्या होगा कि तार के बीचों बीच से निकल जाएगी, है ना, तार के बीचों बीच से निकल जाएगी, और कई बार क्या होगा कि वो तार से टकराएगी, है ना। तो इसी तरीके का जो हमें आवाज़ आएगी या कुछ, जब तार से टकराएगी तो कुछ टेढ़ी होकर निकल जाएगी और कुछ कुछ क्या हो जाएंगी, सीधी वापस आ जाएंगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है रास्ते में, जब रास्ते में कुछ आता है ना, तभी कोई चीज़ बाउंस बैक होती है या उसका एंगल चेंज होता है, सब कुछ खाली होता है तो सीधा सीधा निकल जाता है। इसका मतलब एटम के बीचों बीच या एटम में कहीं अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो वापस भेज रही है या एंगल को चेंज कर रही है, और वो चीज़ क्या निकली, वो चीज़ निकली न्यूक्लियस। तो सिमिलर रीजंस जो हैं इन्होंने दे दिया अल्फा पार्टिकल के, कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है ना एटम के अंदर वो तो खाली है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। तो देखा था हमने कि मतलब ज़्यादातर जो है अल्फा पार्टिकल मतलब सीधे सीधे निकल गए थे, है ना, डिफ्लेक्ट नहीं हुए थे। तो इसका मतलब क्या है कि ज़्यादातर स्पेस जो है एटम का वो खाली है। वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पाथ इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। तो मतलब बहुत ही कम जो है एटम्स पास, मतलब ज़्यादातर तो पास हो गए थे, बहुत ही कम डिफ्लेक्ट बैक हुए थे। इससे हमें पता लगता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, जो ऑक्यूपाई करता है एक एटम में, वो बहुत कम है। ये कैसे पता लगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज थे, जब वो पॉजिटिव चार्ज से टकराए तो वो वापस आ गए। और वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड 180 डिग्री, मतलब जैसे गए वैसे ही वापस आ गए। ये होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री एंगल होता है स्ट्रेट सीधा, तो जैसे गए वैसे वापस आ गए, ऐसा बहुत ही कम हुआ। इससे हमें पता लगता है इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। तो हमें क्या पता लगता है इससे, कि सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो बहुत ही कम स्पेस में है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे थे जो बिल्कुल सीधे सीधे वापस आ गए। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये एटम के अंदर बहुत ही कम स्पेस में है और बहुत ही कम वॉल्यूम भी ये ले रहा है। इस डाटा से उन्होंने कैलकुलेट किया कि न्यूक्लियस का जो भी रेडियस होगा ना, मतलब देखिए एटम जो है कितना बड़ा है, एटम जितना भी बड़ा है उसका जो न्यूक्लियस होगा वो उससे 10^5 टाइम्स क्या होगा, छोटा होगा। 10^5 टाइम्स छोटा होगा एक न्यूक्लियस पूरे अपने एटम से, ये उन्होंने कंक्लूड किया। तो इस बेसिस पे जो उन्होंने रदरफोर्ड ने पूरा का पूरा न्यूक्लियर मॉडल दिया था, ये था रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। उसके क्या क्या फीचर्स थे, उसके ये फीचर्स थे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो अभी हमने पढ़ी और इससे पहले ये वाली जो चीज़ है, ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोगों ने न्यूक्लियर मॉडल में क्या पढ़ा, देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। तो एटम में एक पॉजिटिव चार्ज वाला सेंटर है, एक सेंटर ऐसा है एटम के बीचों बीच कि जो है पॉजिटिवली चार्ज, और नियरली जितना भी मास है ना एटम का, वो सारा का सारा इसी में रहता है। तो एटम जो है, ये देखिए जो एटम है ना, उसके बीचों बीच एक न्यूक्लियस है, एटम के बीचों बीच एक न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस में एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज रहता है। ये पहली फाइंडिंग थी इनकी, रदरफोर्ड की। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, और इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो गोल गोल घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूम रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम, न्यूक्लियस का जो साइज है ना वो एटम के साइज से बहुत ही ज़्यादा कम है। तो आपको ये वाला, ये जो है ना न्यूक्लियर मॉडल, ये आपको याद करना है। क्या याद करना है, कि पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, मतलब एक एटम में एक न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। फिर सेकेंड पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं एक सर्कुलर पाथ में। फिर साइज जो है
न्यूक्लियस का वो एटम के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा छोटा है। यही चीज़ आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में यही आएगा, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम क्या था, उसके फीचर्स क्या थे। अब ड्रॉबैक्स क्या हुए इसके, इसमें कमियाँ क्या थी, तो देखिए इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, मतलब इलेक्ट्रॉन है अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमे जा रहा है तो एट एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड गो अंडर एक्सेलरेशन, मतलब उसको क्या चाहिए होगा, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर गोल 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 घूम रहा है तो उसको एक्सेलरेशन, मतलब आप समझ लीजिए उसको एक एनर्जी की ज़रूरत होगी। जब वो घूम रहा होगा ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी, अब इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो उनमें चार्ज आ जाएगा जब वो गोल गोल घूम रहे होंगे और वो रेडिएशन फैलाने लगेंगे हर तरफ, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल्स जो होंगे वो रेडिएशंस को फैलाने लगेंगे, दस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो फिर ऐसा क्या होगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ना चारों ओर घूम रहे होंगे, ये एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी रेडिएट करते करते और ये न्यूक्लियस में गिर जाएंगे और न्यूक्लियस ख़त्म हो जाएगा। और इस अगर ऐसा ही होता है तो एटम तो बिल्कुल अनस्टेबल हो जाएगा, मगर हम लोगों को पता है कि एटम तो क्वाइट स्टेबल है, वो ख़त्म तो नहीं होता है, तो ये इनका ड्रॉबैक था। तो देखिए क्या था सिंपल भाषा में कि एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो भाई कुछ एनर्जी क्या कर रहे होंगे, कुछ एनर्जी रेडिएट कर रहे होंगे। अगर वो एनर्जी निकाल रहे होंगे तो उनकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, अगर एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे और न्यूक्लियस फट जाएगा पूरा का पूरा, तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। मगर एटम तो अनस्टेबल नहीं होता, एटम तो स्टेबल होता है। तो भाई ये थी रदरफोर्ड के मॉडल की दिक्कत। अब इस दिक्कत को हटाने के लिए हमारे पास आगे आते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम। जो बोर है ना वो एक और एटम का मॉडल देकर के हमें बोर कर देते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो बोर मॉडल ऑफ एटम, इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, जो ऑब्जेक्शंस आए थे वो इन्होंने सॉल्व करने की कोशिश करी नील बोर ने। इन्होंने क्या कहा कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। तो इन्होंने ये बात कही कि जो एटम है उसके अंदर स्पेसिफिक डिस्क्रीट, मतलब हो गया कि कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्बिट्स हैं उसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं, और जब वो इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं ना तो वो कोई एनर्जी बाहर निकालते ही नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के अंदर एक पर्टिकुलर डिफाइंड ऑर्बिट है, सपोज करिए इसी ऑर्बिट में ऐसे ऐसे करके घूम रहे हैं, और जब वो ऐसे करके इसमें घूम रहे हैं ना तो वो कोई एनर्जी बाहर निकाल ही नहीं रहे हैं, एनर्जी बाहर नहीं निकालेंगे तो अनस्टेबल नहीं होगा और वो घूमते रहेंगे। इस चीज़ के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था अपने वर्क के लिए 1922 में फॉर द डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इनकी काफ़ी सारी थ्योरी हैं, थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा, एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, एटॉमिक थ्योरी, ये सारी की सारी इनकी थ्योरीज हैं। तो इन्होंने इन ऑर्बिट्स को क्या कहा, ये ऑर्बिट्स कहीं या फिर शेल कहा, इसको एनर्जी लेवल्स भी इन्होंने बताया। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगे के लिए, केमिस्ट्री के लिए 10th में, 11th में, 12th में, हर जगह बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है, ये अच्छे से आप याद करिए। ये क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, एटम है, ठीक है। एटम के बीचों बीच क्या होता है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, फिर उसके बाद एटम की बहुत सारी शेल्स होती हैं। तो इन्होंने जो बोर है इन्होंने नाम दिया अलग अलग शेल्स को, के एल एम एन, है ना, के एल एम एन इन्होंने नाम दिया हर शेल को। तो जैसे कि तो इन्होंने अलग अलग शेल को अलग अलग नाम दे दिया, तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर वाली ये वाली शेल के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, इसी तरीके से अलग अलग जो है इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो मूव करेंगे। तो दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर के एल एम एन, और इनका नंबर होगा, के का नंबर है 1, एल का नंबर है 2, एम का नंबर है 3 और एन का नंबर है 4। तो अलग अलग इनके नंबर हैं ये जो शेल्स हैं इनके, ठीक है। अब इन शेल्स का क्या काम होगा ये हम यहाँ पे देखेंगे, न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स जो हैं 1932 में जो जे चैडविक थे उन्होंने डिस्कवर किया था एक और एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब एटम का, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन देख लिया, प्रोटॉन भी हम लोगों ने देख लिया, अब हम देखते हैं न्यूट्रॉन्स। तो एक और सब एटॉमिक पार्टिकल हमें मिला जो कि था न्यूट्रॉन, उसका कोई भी चार्ज नहीं था, चार्ज तो नहीं होता है न्यूट्रॉन का बिल्कुल भी, न्यूट्रल होता है, मगर न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, मगर इसका जो मास होता है ना, भार जो होता है वो इसका प्रोटॉन की बराबर होता है। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो न्यूट्रॉन्स भी कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में, प्रोटॉन्स भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे होते हैं। तो सब में जो है न्यूट्रॉन्स होते हैं, हर किसी में होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, इम्पॉर्टेंट। क्या हर एटम में
न्यूट्रॉन होते हैं? नहीं, हर में नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन ऐसा है जिसके एटम्स में न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं, और हम इसको एन सिंपल से रिप्रेजेंट करते हैं। मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एटम का मास हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। मास ऑफ एटम हम लोग निकालते हैं मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन से। अब आगे हमारा आता है, हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट शेल्स ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, के एल एम एन, ये हम लोगों ने देख लिया डिस्ट्रीब्यूशन का, बट बिल्कुल ढंग से अगर हम लोग देखें तो किस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हम लोग अब आगे देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना इलेक्ट्रॉन का, वो बोर और बरे इन दोनों ने मिलकर बताया था। इन्होंने बताया था कि कई सारे रूल्स होते हैं कि कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में आ सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक शेल में आ सकते हैं वो एक फॉर्मूला है हमारा, 2n स्क्वायर ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं और बताते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो के लिए n की वैल्यू क्या हो गई, 1, तो 2n स्क्वायर हो गई है ना। अब 2n स्क्वायर में n की वैल्यू क्या है, 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो K में कितने आ जाएंगे, K में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, 2n स्क्वायर है, 2n स्क्वायर फॉर्मूला है। K का मतलब है n की वैल्यू 1, तो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2। फिर KL में n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो इस n में 2 रखेंगे तो 2 × 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो 2 × 4 यानी कि 8। तो L वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 8। इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, L वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। M में N की वैल्यू क्या है, 3, तो 2 × n स्क्वायर मतलब 2 × 3 का स्क्वायर यानी कि 9 × 2 यानी कि 18। इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, KLMN, तो N में होते हैं 32, तो K में 2, L में 8, M में 18 और N में 32, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। तो KLMN शेल में 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन्स हमारे हो सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट शेल, तो सबसे बाहर वाली जो शेल होगी ना, बाहर वाली, सबसे बाहर वाली होगी, उसमें सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, चाहे वो कोई सी भी शेल हो, KLMN, अगर वो सबसे बाहर की है ना तो उसमें सिर्फ 8 ही रख सकते हो, आप इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो बाहर वाली जो है उसमें आप मैक्सिमम 8, इससे कम तो रख सकते हो बट ज़्यादा नहीं रख सकते। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास में बहुत काम आएगी कि आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते इलेक्ट्रॉन्स। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि फिर ये 32 और 18 ये सारी के सारे कैसे आएंगे, ये हैं कि इतने उसमें आ सकते हैं, मतलब अगर ऐसे होगा जैसे कि खूब सारे शेल हैं, तो इसमें 2 आ जाएंगे, इसमें 8 आ जाएंगे, इसमें 18 आ जाएंगे, इसमें 32 आ जाएंगे, फिर मगर जो आउटर मोस्ट होगी ना उसमें हम लोग 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते, आउटर मोस्ट में हम लोग 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, अंदर वाले में कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट शेल इज 8। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन गिवन शेल अनलेस इनर शेल आर फिल्ड, और जब तक अंदर वाली शेल नहीं भर जाएंगी तब तक हम बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखते, पहले अंदर की सारी फिल होंगी जैसे 2 फिर 8 फिर 18 है ना, फिर उसके बाद ही हम लोग बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे। तो ये कुछ है स्टेप्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोगों को दे रखा है, लिथियम में कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लिथियम में, तो इस तरीके से रखेंगे। बेरियम में इतने होते हैं है ना, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम लोग उनको किस तरीके से रख सकते हैं वो हमें इसमें दिखाया गया है। हाँ, फिर आगे हमारा इसमें आता है वैलेंसी, बस अब ये वाला वैलेंसी देखते हैं और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फिर आप कह सकते हैं कितने हम लोग शेयरिंग करने के बाद एकोमोडेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो अलग अलग शेल्स में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बाहर वाले जो शेल होगा ना, कई सारे शेल होते हैं एक एटम में, सबसे बाहर वाला जो शेल होगा तो उसको हम लोग, सबसे बाहर वाले शेल को हम लोग कहते हैं वैलेंस शेल, ठीक है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। यानी कि जो एटम होता है, देखिए एटम है
एटम में बहुत सारे शेल है, कितने भी शेल हो सकते हैं, मगर सबसे बाहर वाला जो शेल होगा उसको हम वैलेंस शेल कहेंगे। इसमें देखिए सबसे बाहर वाला शेल ये है, ये वैलेंस शेल है। सबसे बाहर वाला जो भी शेल होगा उसको हम लोग वैलेंस शेल कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर इन्होंने हम लोग को बता दिया था कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, है ना, कंप्लीटली फिल्ड। मगर हम लोगों ने ये भी कई बार देखा है कि 8 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते, बट 8 से कम तो हो सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक कितने भी हो सकते हैं। फिर हम लोगों की जो आउटर मोस्ट शेल शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी, आउटर मोस्ट शेल जो होता है ना उसमें केमिकल एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर शेल बाहर का पूरा भरा हुआ है, अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो बहुत ही कम एक्टिव होगा। और इस तरीके के एलिमेंट्स को हम लोग इनर एलिमेंट्स कहते हैं। अगर बाहर वाले शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस तरीके के हम लोग जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनर्ट एलिमेंट्स कहते हैं। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2, उसके मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही 2 हैं, वैलेंस शेल में 2 हैं, तो मतलब ये बिल्कुल स्टेबल हो गया, ये किसी से छेड़छाड़ नहीं करेगा, ठीक है। एंड ऑल अदर एलिमेंट्स हैव एटम्स विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो देखिए ये यहाँ पर जितने भी ये जो इनर्ट एलिमेंट है ना, इनर्ट एलिमेंट सब में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, बस एक हीलियम ऐसा है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और वो इनर्ट भी है। इनर्ट, इनर्ट का मतलब होता है अब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो एक हीलियम ऐसा इनर्ट एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी जितने भी इनर्ट एलिमेंट्स हैं ना उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इनर्ट गैसेज और इनर्ट एलिमेंट्स के बारे में हम लोग 10th में पढ़ेंगे, अभी हमारे में सिलेबस में इतना नहीं है इनके बारे में, ठीक है। तो अब क्या हो गई, वैलेंसी द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट दैट इज देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स विद एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है, सबसे पहले ये वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो जैसे कि सपोज करिए हर किसी को ना स्टेबल होना होता है, जिस हर एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, हर एटम यही चाहता है। तो सपोज करिए इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो इसको कितने चाहिए होंगे, इसको स्टेबल होने के लिए 5 और चाहिए होंगे, है ना। बट 5 लेना बड़ा मुश्किल है और 3 देना आसान है, तो ये क्या करेगा, ये 3 दे देगा, दे देगा किसी को, जिसको 3 चाहिए होंगे ना, जिसके 5 होंगे वो इससे ले लेगा। तो मतलब एक शेयरिंग सी होती है, कंबाइन करते हैं ये एक दूसरे से, अलग अलग एटम्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं ताकि उनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में 5 हो जाएं, सॉरी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं ताकि वो स्टेबल हो जाएं और वो आराम से फिर बैठे रहें, आराम करते रहें। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट दैट इज देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स विद अदर एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स वॉज दस एक्सप्लेन्ड एज एन अटेम्प्ट टू अटेन फुली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। भाई रिएक्शंस क्यों होते हैं, इतने ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस होने का कारण यही होता है कि सबको अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, सबको स्टेबल होना होता है। जैसे कि हर कोई, आप लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं बड़े होकर आपकी अच्छी जॉब लगे, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं इसलिए आप मेहनत कर रहे हैं। और इतने सारे एटम्स केमिकल रिएक्शन भी इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें स्टेबल होना होता है, उन्हें अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल विच हैड 8 इलेक्ट्रॉन्स वॉज सेट टू पोजेस एन ऑक्टेट। तो जिसमें, जिस आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम कह देते हैं कि ये तो ऑक्टेट है, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो उसे ऑक्टेट कहते हैं। और वो कैसे पा सकता है, बाय शेयरिंग, गेनिंग एंड लूजिंग। 3 तरीके हैं, या तो आप शेयर कर लो दूसरे के साथ, या तो आप दूसरे से ले लो, या तो आप दूसरे को दे दो। ये 3 वे होते हैं जिससे आप लोग एक कंप्लीट ऑक्टेट बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, लॉस्ट और शेयर्ड सो एज टू मेक द ऑक्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। मतलब हमें ऑक्टेट बनाना होता है आउटर मोस्ट शेल में, इसलिए हम लोग शेयरिंग, गेनिंग एंड लूजिंग कर रहे होते हैं। गिव्स अस द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट दैट इज वैलेंसी डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर। तो वैलेंसी हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी थी, इसमें भी पढ़ेंगे कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी हम लोग जो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेनिंग, लूजिंग एंड शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारी क्या होती है, वैलेंसी होती है। मतलब आउटर मोस्ट शेल में
की जो कैपेसिटी है ना, या तो देने की, या तो लेने की, या तो शेयर करने की, वो होती है वैलेंसी। एग्जांपल के लिए जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये सारे के सारे एटम्स होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, बाहर वाला जो शेल है ना उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये कोई दूसरा जिसे चाहिए ना उसको ये दे देता है, भाई तुम ले लो और मैं तो स्टेबल हो जाऊँगा। तो ये अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दे देता है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैग्नीशियम और एल्युमिनियम है, उनके पास भी दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दो भी क्या करते हैं, वो दो दे देते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटर मोस्ट शेल में वो फुल के क्लोज होंगे, जैसे कि क्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन फ्लोरीन क्या करेंगे, क्लोरीन फ्लोरीन में सात होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो सात देना तो बड़ी मुश्किल काम है, तो वो क्या करते हैं किसी एक से एक ले लेते हैं, तो अंदर वो एक ले लेते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने हाइड्रोजन, लिथियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, इन सब ने क्या किया, इन सब ने लूज कर दिए, और क्लोरीन फ्लोरीन ये सब क्या करते हैं, ये सब करते हैं गेन, ठीक है, क्योंकि इनके पास सात होते हैं तो एक लेना आसान होता है। हेंस वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ऑक्टेट एंड दस गिव्स यू वैलेंसी ऑफ 1 फॉर फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की वैलेंसी क्या होगी, फ्लोरीन की वैलेंसी हो जाएगी 1, क्योंकि फ्लोरीन ने एक एटम लिया है, ठीक है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि एल्यूमिनियम ने 2 दिए हैं। तो अगर आपने कुछ लिया है या तो कुछ दिया है, तो जितना लिया है और जितना दिया है ना, वो आपकी वैलेंसी हो जाएगी। तो फ्लोरीन ने कितने दे दिए, सॉरी फ्लोरीन तो लेता है, फ्लोरीन के 7 थे, फ्लोरीन ने कितने ले लिए, फ्लोरीन ने 1 ले लिया, तो 1 क्या हो गई फ्लोरीन की, 1 हो गई फ्लोरीन की वैलेंसी, ठीक हो गया। तो वैलेंसी कैन बी कैलकुलेटेड इन द सिमिलर वे फॉर ऑक्सीजन, द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन दैट इज, तो वैलेंसी क्या होगी ऑक्सीजन की, आप लोगों ने पिछले चैप्टर में ऑक्सीजन का पढ़ा होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 2 और 6, तो 6 है इसके पास, भाई 6 के 6 देना बड़ा मुश्किल है, तो ये 2 क्या करेगा, ले लेगा, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी हो जाती है हमारी 2। इससे पहले जो थर्ड चैप्टर है ना, उसमें जो एटॉमिक नंबर का चार्ट है वो पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एटॉमिक नंबर के चार्ट की हेल्प से आप लोग देख लेंगे कैसे बनाएंगे, 8 है तो सबसे पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, 2 के बाद फिर कितने आएंगे, कितने बचे, 8 - 2 6 बचे, तो आउटर मोस्ट में 6 है, तो ये क्या करेगा, 2 ले लेगा, तो 2 हो जाएगी वैलेंसी उसकी। तो देयरफॉर एटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज़ द डिफाइनिंग डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी, इट इज कॉल्ड वैलेंसी। सिंपल सी डेफिनेशन है, एटम ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट का जो एटम होता है उसके पास एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब होता है या तो लूज करना, या तो गेन करना, या तो शेयर करना, ये होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी भी एलिमेंट की। और कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है किसी भी एलिमेंट के एटम की, उसी को हम लोग कहते हैं वैलेंसी। तो ईच एटम हैज़ एन डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी कॉल्ड इट्स वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स जो है वो टेबल 4.1 आपकी जो है वो दे रखी है, 4.1 है ये, यहाँ पर दे रखी है सबकी वैलेंसी, ये देखिए, हाइड्रोजन की 1, हीलियम की 0, क्योंकि हीलियम क्या है, 2 स्टेबल है, लिथियम की 1, बेरिलियम की 2, है ना, सबकी वैलेंसी हमें दे रखी है। तो अब हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। आज थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्योंकि मैंने सोचा कि इसको इतने में कवर ही कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट आप भी, आपकी क्लास भी बड़ी हो गई है, तो बड़े वीडियोज़ देखने की आदत डाल लीजिए। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।